एंड वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। आज मैं आपको 10th क्लास बायोलॉजी की जो है पेरिंग स्कीम जो है मार्क करवाऊंगी, तो काइंडली जो है आप बुक्स पे मार्क कर लें। वैसे तो मैं पेरिंग स्कीम को फॉलो नहीं करवाती, ओवरऑल जो है पूरी बुक ही आप करें तो बेहतर है, बट मेरे पास जो पेरिंग स्कीम है ये मैंने बोर्ड पर नोट की हुई है। ये जो है 90% इंशाल्लाह चांसेस हैं कि ये जो है पेरिंग स्कीम इंशाल्लाह बोर्ड में क्या होगी, फॉलो होगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है बायो में ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQs आते हैं और नंबर ऑफ MCQs होते हैं हमारे पास 12। नेक्स्ट, उसके बाद इसे अगर देखें कि चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें से नंबर ऑफ MCQs 1 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1, चैप्टर नंबर 13 में से 1, चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आएंगे, 15 में से 2 आएंगे, 16 में से नंबर ऑफ MCQs 2 आएंगे और बाकी 17 और 18 में से 1 ही आएंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ, और सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 आता है जो कि 3 पार्ट्स पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो है तीनों पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, उसमें से जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट, हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम देखें वैसे नंबर ऑफ जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 आएंगे आपको हर पार्ट में, लेकिन आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, मतलब कि आपको जो है कोई भी 5 अटैम्प्ट करने होंगे, मतलब आपको चॉइस पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी चैप्टर नंबर जैसे 13 है, तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट ही है, जैसे कि चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट आएंगे, कोई से भी आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में से भी 2 शॉर्ट आएंगे। नेक्स्ट, हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो थर्ड पार्ट हम लोग के पास है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो सेक्शन 2 है हम लोग के पास, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने जो है 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो है 2 पार्ट्स आएंगे ए एंड बी। ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 11 में से आएगा और चैप्टर बी पार्ट हम लोगों का आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों के पास 6, उसका ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। एंड लास्ट वाला हम लोग के पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में से फर्स्ट ए पार्ट में चैप्टर नंबर 17 में से आएगा और सेकंड डी पार्ट आएगा हमारा चैप्टर नंबर 18 में से। ये 3 लोग आएंगे, आपने इसमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं और ये होंगे 18 मार्क्स के। तो इस तरीके